सचिन तेंदुलकर चरम पर थे, दुनिया भर के गेंदबाज उनके बल्ले की धमक से कांप उठते थे। वीरेंद्र सहवाग नई सनसनी थे, सौरभ गांगुली की कप्तानी में भारत नई नई ऊंचाइयों को छू रहा था। जहीर खान अपनी गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों की बोलती बंद कर रहे थे। वहीं हरभजन सिंह की बलखाती गेंदों से हर कोई हैरान होता था। टीम में युवराज सिंह जैसे जुझारू ऑलराउंडर थे और 2000 विश्व कप जीतने के लिए भारत प्रमुख दावेदार थी। टीम इंडिया फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन उसका सामना यहां होना था ऑस्ट्रेलिया से, जो डिफेंडिंग चैंपियन थी और बड़े बड़े मैच विनरों से भरी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान थे रिकी पॉइंटिंग, तो टीम में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट, ग्लेन मैग्रा, ब्रेटली, ब्रेड हॉग, एंड्रयू साइमंड्स और डैरेन लेमन जैसे धाकड़ खिलाड़ी थे। इस टूर्नामेंट में भारत और ऑस्ट्रेलिया की एक और भी पहले भिड़ंत हो चुकी थी, जिसमें भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था। जब 23 मार्च 2003 को फाइनल में दोनों टीमें पहुंची थीं, तो उम्मीद थी कि भारतीय टीम यहां पर पिछली हार का बदला ले लेगी और मैच में भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और यही वो शुरुआती और आखिरी फैसला था जो टीम इंडिया के मन माफिक था। जोहानसबर्ग में एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन ने आक्रामक शुरुआत करते हुए 14 ओवरों में तेज तर्रार 105 रन ठोंक डाले। गिलक्रिस्ट ने 47 और मैथ्यू हेडन ने 37 रन बनाकर आउट हुए। यह खुशी कुछ ही देर में गायब हो गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग और डेमियन मार्टिन ने विध्वंसक बैटिंग शुरू कर दी थी और देखते ही देखते स्कोर 150, 200, 250, 300, 350 और जब 50 ओवर पूरे हुए तो स्कोर 359 रनों तक जा पहुंचा था। पॉन्टिंग ने 121 गेंदों में 4 चौके और 8 छक्कों के दम पर नाबाद 140 रन ठोंक डाले थे। वही डेमियन मार्टिन ने 84 गेंदों पर नाबाद 88 रन ठोंके। पॉन्टिंग की खूंखार बैटिंग का आलम यह रहा था कि भारत के घर घर में यह अफवाह थी कि उनके बल्ले में स्प्रिंग लगी थी, जिससे कि उनके बल्ले में गेंद लगते ही बाउंड्री पार जा रही थी। दोनों विकेट हरभजन सिंह को मिले थे, जबकि जहीर खान 67, जवागल श्रीनाथ को 87, आशीष नेहरा को 57 रन पड़े थे। जवाब में बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम को पहले ही ओवर में सचिन के रूप में 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। वहीं भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और वह 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। मोहम्मद कैफ 0, 59 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम के 3 विकेट आउट हो गए थे। इसके बाद राहुल द्रविड़ 47 और वीरेंद्र सहवाग 81 रनों के बीच एक अच्छी साझेदारी जरूर हुई, लेकिन वीरेंद्र सहवाग के दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट होने के बाद फिर मैच पलट गया। बल्लेबाज आते गए और आउट होकर पवेलियन लौटते गए। भारतीय टीम 234 रन पर ढेर हो गई और भारत को 125 रन की करारी हार मिली। क्लेन मैग्रा ने 3, जबकि ब्रेटली और साइमंड्स ने 2-2 विकेट झटके। करोड़ों भारतीयों का विश्व कप जीतने का सपना चकनाचूर हो गया था और भारतीय टीम को उपविजेता बनकर संतोष करना पड़ा था। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल को बजा दें, जिससे कि नई नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद दोस्तों।